फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Realme P1 Android मोबाइल फोन में, अगर आपके मोबाइल फोन की इनकमिंग कॉल अगर स्क्रीन के ऊपर शो नहीं होती है, तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको अपने फोन को ना एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। अगला काम ये करना है कि आपके मोबाइल फोन में ना ये फाइल का ऐप होता है, इस फाइल के ऐप को ओपन कर लेना है। इसमें आपको ना नीचे की साइड में ऐप्स का ये ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में आपको सबसे ऊपर ये सिस्टम ऐप का ये वाला ऑप्शन आपको टैप करना है, ठीक है। तो आपको इस वाले पेज में एंड्रॉइड सिस्टम का ये ऑप्शन टैप करना है। अगले पेज में आपको नीचे की साइड स्टोरेज का ये वाला ऑप्शन टैप करना है। अब यहाँ पर क्लियर कैच का ये ऑप्शन टैप करना है, तो कैच के साथ डेटा जीरो हो जाता है, ठीक है ना। अब देखिए अगला काम ये करना है कि मोबाइल फोन की APN सेटिंग को रीसेट करना है। इसके लिए मोबाइल फोन का ना सेटिंग का पेज ओपन करना है। इसमें आपको ये ऑप्शन मिलता है सबसे ऊपर, सिम कार्ड एंड मोबाइल डेटा, इसे टैप करना है, ठीक है। अगले पेज में आपको अपने फोन की सिम सेलेक्ट कर लेनी है। अब यहाँ पर आपको नीचे की साइड में ये ऑप्शन मिल जाता है एक्सेस पॉइंट नेम, इसे टैप करना है। अब इसका अगला पेज ये वाला आता है, इसमें आपको राइट साइड के टॉप पर डॉट का ऑप्शन टैप करना है। अब इसमें ये छोटा सा पेज ओपन होता है रीसेट एक्सेस पॉइंट, इसे टैप करना है। आपका नीचे पेज आता है, इसमें आपको रीसेट एक्सेस पॉइंट पे दोबारा टैप करना है। आपको नीचे लिखा हुआ आ जाता है डिफॉल्ट APN सेटिंग रिस्टोर, इस तरीके से APN सेटिंग को एक बार रीसेट कर देना है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर दोस्तों आपको अगला काम ये करना है कि आपको अपने मोबाइल फोन का जो सिम कार्ड होता है ना, उसे मोबाइल फोन से बाहर निकाल के उसे सिम ट्रे पे दोबारा से अच्छे से लगाना है। ध्यान रखिएगा सिम कार्ड को सिम ट्रे की स्लॉट 1 में लगाना है, उसके बाद फोन के अंदर डाल देना है। इससे प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाती है, ठीक है। अगला काम ये करना है मोबाइल फोन को ना रीसेट करना है। देखिए दोस्तों यहां पे ना मोबाइल फोन को रीसेट आपको तब करना है जब मेरे बताए हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते ना, तब आपको फोन को रीसेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है। फोन को रीसेट करने के लिए फोन का आप सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। इसमें सबसे ऊपर आपको सर्च बार पे टैप करना है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर सर्च बार में रीसेट आपको लिखना है। नीचे आपको ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट, इसे टैप करना है। अब अगले पेज में आपको इरेज ऑल डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। नीचे आपका पेज आता है, इसमें इरेज डेटा का ये ऑप्शन टैप करना है। इससे आपका फोन जो है रीसेट हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन फोन को रीसेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात ये ध्यान रखनी है कि आपको अपने फोन के ना डेटा का बैकअप ले लेना है अपने फोन में, और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है आपको अपने फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको पहले से नोट करके रखना है। तो ये दो काम आपको पहले करना है, उसके बाद फोन को रीसेट करना है, ठीक है। तो मेरे बताए हुए सारे प्रोसेस आपको यूज करने से आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है।